दोस्तों, स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में जो 15,000 रुपये का सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन विजिट करते हैं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, जो कि स्टाइलिश भी हो, कैमरा भी अच्छा हो, बैटरी भी अच्छी हो, डिस्प्ले भी अच्छी हो, मल्टीमीडिया भी अच्छा चलता हो, नेटवर्किंग भी अच्छी हो, 5G फ़ोन हो। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को मैंने रखा है और जो कि आपकी सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। जो भी आपको स्मार्टफोन पसंद आए वो आप पिक कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में एक सबसे मास्टरपीस स्मार्टफोन की बात करूंगा जो कि हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है। उसकी बॉडी से लेकर उसके फीचर्स तक वो अपने 15,000 के सेगमेंट में मास्टरपीस है। सो वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। सो फिफ्थ नंबर पर आता है सैमसंग का M33 5G फोन। इस फोन की डिस्प्ले की बात करूं तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी है। और इसमें हमें बैटरी भी अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि 6000 mAh की बैटरी है, 25 वाट के फास्ट चार्जर तक सपोर्ट करती है। और अगर कैमरा की बात करूं तो बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, और सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। लेकिन सैमसंग की एक अच्छी बात है कि इसकी इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी है, कैमरा से फोटोज बहुत अच्छा निकालता है। अगर बात करें प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर एक्सिनोस का 1280 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि नॉर्मल गेमिंग के लिए आपको काफी सफिशियंट रहेगा। और बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, तो गेमिंग आप अच्छे से कर सकते हैं और फोटोज़ भी काफ़ी बढ़िया खींच सकते हैं, क्योंकि सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही बढ़िया है। और इस फ़ोन में सबसे बेस्ट बात यह है कि सैमसंग 2 साल तक आपको एंड्रॉयड का अपडेट प्रोवाइड करेगा और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच भी प्रोवाइड करेगा। बात करें इस फोन के प्राइस की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज की प्राइस है इसका 16,990 रुपये, लेकिन अगर आप इसको ऑफर में लेते हैं तो 15,490 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यही कारण है कि इसको मैंने फिफ्थ नंबर पर रखा है। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर। इस फोन का नाम है Redmi Note 10 Pro। कुछ टाइम पहले ये लॉन्च हुआ था, लेकिन अब भी ये काफ़ी अच्छा है अपने सेगमेंट में। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की अगर बात करो तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड स्क्रीन, जो कि 6.67 इंचेस की है, HDR10 भी सपोर्ट करता है और गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर आपको 732G का मिल जाएगा, यानी कि गेमिंग भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस आपको गेमिंग में देखने को मिल जाएगा। इसकी बैटरी 5020 mAh की है, जो कि 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। अगर कैमरा की बात करूं तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 16 मेगापिक्सल का आपको इसका सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। IP53 के साथ आता है, यानी कि पानी के कुछ स्प्लैशेस और बूंदों से आपको बचा देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। LPDDR4 रैम है। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ये 15,999 के साथ आता है, लेकिन अगर आप किसी कार्ड वगैरह को लगा करके ऑफर में लेते हैं इसको, तो आप 15,000 के अंदर ही आपको मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा है अपने सेगमेंट में। बात करें नंबर 3 की, तो फोन का नाम आता है पोको M4 Pro 5G फोन। इस फोन में आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है और बैटरी 5000 mAh की है और 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। अगर कैमरा की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर इसका डायमेंसिटी का 810 का प्रोसेसर है, जो कि नॉर्मल यूजिंग के लिए और हल्के फुल्के गेमिंग के लिए काफी ज्यादा कैपेबल है। ये फोन उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही फ्रेश और नए लॉन्च आइटम को यूज करना चाहते हैं। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो इसका बैक साइड का कैमरा का जो डिज़ाइन है वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को पसंद आ सकता है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, कैमरा और फोटो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी निकालता है और प्रोसेसर भी ठीक ठाक है और बैटरी लाइफ और 33 वाट का फास्ट चार्जर के साथ आता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी कीमत की बात करूं तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ये 14,999 का, यानी कि एक्यूरेट 15,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब लास्ट के 2 फोन जो कि पर्सनली मेरे फेवरेट हैं, इनको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि अब तक के जो 3 स्मार्टफोन बताए हैं वो कैसे लगे हैं आपको। सो बात करते हैं नंबर 2 की, तो नाम आता है सैमसंग का F23 5G, जो कि मिड रेंज में गेमिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस फोन के डिस्प्ले की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। काफी बढ़िया डिस्प्ले है। TFT डिस्प्ले में प्रॉब्लम बस यही आती है कि ज्यादा टेढ़ा करने पर इसका व्यूइंग एंगल थोड़ा सा दिक्कत करता है, बाकी बहुत ही नंबर 1 का काम करता है। अगर प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया प्रोसेसर है मिड रेंज में गेमिंग के लिए। बैटरी इसकी 5000 mAh की देखने को मिल
जाती है जो कि 25 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट कर सकती है। अगर कैमरा की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक थर्ड कैमरा दिया गया है और सेल्फी कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा। लेकिन सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है तो 8 मेगापिक्सल भी काफी बढ़िया काम करेगा। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यानी कि इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस ओनली 14,999 रुपीज है यानी कि ओनली 15,000 रुपए में ये मास्टरपीस फोन आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है नंबर वन स्मार्टफोन की जो कि 15,000 के लाइनअप में मास्टरपीस फोन है। इसका नाम है मोटोरोला G71 5G। बात करें डिस्प्ले की तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि सबसे बढ़िया बात है। और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि मिड रेंज में काफी तगड़ा प्रोसेसर है। बात करें अगर कैमरा की तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक थर्ड कैमरा और 16 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की वजह से इस फोन की इमेज प्रोसेसिंग क्वालिटी काफी तगड़ी है। बात करें अगर बैटरी की 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको इनबिल्ट बॉक्स में ही मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात जो इस फोन को और सैमसंग के फोन को सबसे बेहतर बनाती है जो कि एड फ्री UI का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं मिलेंगे, एकदम फ्रेश फोन आप यूज करेंगे। बात करें इसके प्राइस की तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत अभी 15,999 है जो कि 18,000 का फोन है लेकिन ये रहा है सिर्फ 16,000 रुपए में। और अगर आप किसी भी कार्ड को यूज करके इसको लेते हैं तो आपको 14,919 रुपीस का मिल जाएगा। यही इसके स्पेसिफिकेशन और ऑफर के बाद इसका प्राइस इसको मास्टरपीस बनाता है और बेहतर बनाता है। तो आप बताइए पर्सनली आपको इनमें से कौन सा फोन पसंद आया है कमेंट करके मुझे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप में से 95% लोग वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब आज कर लीजिए।